220 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, काफ़ी ज़्यादा हाई ग्राउंड क्लियरेंस है। अच्छी चीज़ यह है कि आपको आर्मरेस्ट जो मिलती है काफ़ी ज़्यादा बड़ी बल्कि वाइड मिलती है, तो सपोर्ट पूरा रहता है आपको। यहाँ पर एक चीज़ की मुझे बहुत कमी लगी, हाइट एडजस्टेबल ऑप्शन है ही नहीं, लेकिन लंबर सपोर्ट दे रखा है। लेंथ काफ़ी अच्छी है, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट छोटे बच्चे हैं ना, तो वो तीन भी बैठ जाएंगे पीछे। स्वागत है आप सबका बैंकॉक इंटरनेशनल मोटर शो में। आज हमारे पास एक ऐसा व्हीकल है जिसके फीचर्स अर्टिगा वाले हैं, साइज आपको किया कारंजोला मिल जाता है, और प्राइस बताऊंगा मैं एंड में, बिकॉज वो जानकर आप हैरान हो जाने वाले हो। ये है मित्सुबिशी की एक्सपेंडर। अब इस एक्सपेंडर का सबसे अच्छा बेनिफिट आपको ये मिल जाता है कि इसमें एक्सपेंड करने के लिए जगह ही जगह है, आपके पास स्पेस की कोई कमी है ही नहीं। जो फीचर्स सही होते हैं उससे कुछ ज़्यादा ही मिलते हैं। 1.5 लीटर का इंजन भी आपको ऑफर किया जाता है जिसमें माइलेज भी बढ़िया मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस एक्सपेंडर क्रॉस, तो इसका एक मॉडल आता है एक्सपेंडर MPV की 7 सीटर के बारे में, जो कि आपकी लाइफ बदल सकती है। कैसे बदल सकती है, क्यों बदल सकती है और कब बदल सकती है, सारा कुछ डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज हम आपके लिए बहुत सारा यूनिक एक्सक्लूसिव कंटेंट हमेशा अपलोड करते ही रहते हैं। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो के साथ, तो चलिए शुरू करते हैं इसका फ्रंट लुक। फ्रंट में देखेंगे LED ट्रीटमेंट ऑन द DRLs आपको ऑफर किया जाता है, नीचे आपको हेलोजन ऑप्शन जो है हेडलाइट की मिल जाती है। इसमें और मॉडल्स भी आते हैं जहाँ पर आपको LED हेडलैम्प्स की ऑप्शन जो है वो मिल जाएगी। क्रोम का काम काफ़ी अच्छे तरीके से किया गया, नीचे कोई फॉग लैंप्स यहाँ नहीं है बिकॉज ये लाइट की प्लेसिंग इतनी नीचे है बिकॉज ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सामने की तरफ देखेंगे तो आपको बड़ी सारी ग्रिल मिल जाती है, मित्सुबिशी का लोगो है, यहाँ पर भी आपको शाइनी मटेरियल ऑप्शन जो है वो मिल जाती है। फॉग लैंप्स आपको यहाँ आगे की तरफ मिल जाएंगे, इधर नहीं है, इधर आपको फॉग लैंप्स हैं जिसकी विजिबिलिटी बेटर हो सकती है। जब मैंने इधर से देखा तो मुझे लगा था फॉग लैंप्स नहीं है, बट नीचे स्किड प्लेट के पास फॉग लैंप्स हैं, बट ये जल्दी डैमेज भी हो सकते हैं अगर बाई चांस गाड़ी हिट कर जाए। बट एक्सपेंडर के साथ सबसे अच्छी चीज़ ये है जिसका मेजर हाईलाइट है, यहाँ पर ऊपर लिखा भी हुआ है, हिट करने के चांसेस बहुत कम है। 220 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, काफ़ी ज़्यादा हाई ग्राउंड क्लियरेंस है, उसकी वजह से आपको खड्डे वगैरह निकलने बहुत इजी हो जाते हैं, और ऑफ कोर्स आपका फॉग लैंप भी ये बचा रहेगा। ओवरऑल फ्रंट लुक आपको कैसी लग रही है नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दें, बट ध्यान रखें कोई पार्किंग सेंसर नहीं, कोई पार्किंग कैमरा नहीं, कोई ADAS नहीं, बट ये एक बजट फ्रेंडली अफोर्डेबल व्हीकल है। ये सब चीज़ें चाहिए भी नहीं, हमें तो चाहिए माइलेज अच्छी मिल जाए, प्राइस अच्छी मिल जाए, क्वालिटी ठीक ठाक मिल जाए, तो गाड़ी बढ़िया है। फ्रंट लुक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता दें। बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल की, वहाँ पर आपको लुक्स के लिए बहुत अच्छी एक चीज़ मिल जाती है, यानी कि 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स ऑफर किए जाते हैं कंपनी की तरफ से, जो कि एक बढ़िया लुक प्रोवाइड कर रहे हैं। ओवरऑल देखेंगे तो फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक्स हैं वो भी ऑफर की जाती हैं। सेक्शन 205/55 R17 लुक्स रियली इंप्रेसिव। ड्यूल टोन ट्रीटमेंट अच्छा लग रहा है, आप बताएं आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। ORVM की तरफ देखेंगे तो टर्न इंडिकेटर साइड पे कोई कैमरा नहीं है, ऑफकोर्स बड़ा सारा यहाँ पर आपको फेंडर ताकि बड़ी गाड़ी का फील आए। A-पिलर आपको बॉडी कलर ही ऑफर किया जाता है स्लोपिंग रूफ के साथ। साइड पे देखेंगे रिक्वेस्ट सेंसर के साथ क्रोम डोर भी है, और ये क्रोम डोर हैंडल ये मिल जाती है क्रोम बीडिंग नीचे, ऊपर कोई क्रोम बीडिंग नहीं है, रिक्वायर्ड भी नहीं बिकॉज नहीं तो क्रोम 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 हो जाना था। नीचे देखेंगे तो 220 mm की ग्राउंड क्लियरेंस के साथ साथ आपको एक जो सिल्वर फिनिशिंग, यानी कि बॉडी कलर ही लेकिन मैट में है, जैसे ये ग्लॉसी है मेटेलिक है, ये मैट फिनिशिंग में आपको मिल जाती है इसकी क्लैडिंग साइड से। ओवरऑल गाड़ी की डायमेंशंस काफ़ी बढ़िया लग रही हैं। आपको एक कंपैरिजन देने के लिए किया कारंजा और मारुति सुजुकी अर्टिगा की डायमेंशंस यहाँ पर लिख देता हूँ, अच्छा खासा आइडिया आपको हो जाएगा। क्वार्टर विंडो काफ़ी बड़ी है, रियर काफ़ी लंबा पीछे चला जाता है, पीछे वाली आप अगर टायर देखोगे तो यहाँ पर ड्रम ब्रेक ही आपको ऑफर किए जाते हैं। आई रियली होप डिस्क ब्रेक होती तो ज़्यादा अच्छा लगता। एनीवेज लेट्स मूव ऑन टू द रियर प्रोफाइल ऑफ दिस व्हीकल। रियर प्रोफाइल में अच्छी चीज़ लगी, स्पॉइलर काफ़ी बड़ा और पीछे तक आता, हाई स्टॉप लैंप, शार्कफिन एंटीना बड़ा सारा, साथ में आपको वॉशर भी प्रोवाइडेड है, डिफॉगर वाइपर भी मिल जाएगा, और साथ में मित्सुबिशी के बड़े लोगों के साथ LED ट्रीटमेंट में आपको इसके टेल लैंप्स ऑफर किए जाते हैं, जो कि काफ़ी स्लीक एंड सेक्सी हैं। रिवर्स लाइट और इंडिकेटर्स जो हैं वो आपको बल्ब मिलेंगे, ध्यान रखना है इस चीज़ का। पीछे की तरफ यहाँ पर आपको येलो लाइट्स हैं, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स कोई नहीं है, लेकिन इंडियन मार्केट में ऑफकोर्स होंगे बिकॉज गवर्नमेंट की तरफ से रिवर्स पार्किंग सेंसर्स कंपलसरी हैं, चाहे बेस मॉडल ही क्यों ना लो। एक्सपेंडर की बैजिंग रिफ्लेक्टर नीचे की तरफ आपको देखने को मिल जाएंगे, बड़ी सारी स्किड प्लेट भी है जो कि बढ़िया लुक प्रोवाइड कर रही है इसको, और पीछे से काफ़ी मस्कुलर बड़ी बड़ी फील आ रही है, ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। टेल गेट ऑफकोर्स इलेक्ट्रिक नहीं है, हाइड्रोलिक्स प्रोवाइडेड है, लेकिन बूट स्पेस आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। अभी जो ये सामान आप देख पा रहे हो, ये थर्ड रो को फोल्ड करने के बाद जो आपको स्पेस मिलती है उस तरीके की है। अगर आपके पास कोई पेट है, मौकेगा तो नहीं, नहीं काटेगा भी नहीं आपको, ये इस तरीके का आप अपना जो पेट है यहाँ पर रख सकते हो, यहाँ उसको बिठा सकते हो, उसके पास खुली डुली जगह है खेलने के लिए, और आपके पास सामान रखने की भी पूरी जगह बच जाती है। गुड बॉय। अब चलते हैं इसके इंटीरियर में, और फिर आपको इसकी सीट कॉन्फ़िगरेशन वगैरह दिखाता हूँ। बताना भूल गया रिवर्स पार्किंग कैमरा, एक कैमरा तो एटलीस्ट मिल ही जाता है इसमें। चलिए बात करते हैं इसके इंजन के बारे में, बिकॉज कोई भी गाड़ी है उसका इंजन तो मेजर हिस्सा होता है ना, ये रहा
कई बार ये ना फ्लैप मिलता नहीं है, और जितनी गाड़ियाँ मेरे को 30-40 गाड़ियाँ तो आपके लिए हमने शोकेस, 30-40 तो नहीं 20-25 गाड़ियाँ तो शोकेस कर ही दी होंगी, सबका फ्लैप अलग जाएगा। एनीवेज बात करते हैं इसके इंजन के बारे में, बहुत ही खाली खाली इंजन भी लग रहा है, काफ़ी एम्प्टी नीचे तक जाता है। इंजन आया था 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है, 105 PS की पावर और 141 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क जनरेट कर पाती है। माइलेज 16.7 किलोमीटर पर लीटर क्लेम्ड माइलेज, सिटी में वही 11-12 क्योंकि 7-सीटर है, इतनी बड़ी है, साइज़ इतना ज़्यादा है, वेट भी ऑफकोर्स ज़्यादा ही है, उस वजह से माइलेज जो है सिटी में 11-12 किलोमीटर पर लीटर, और हाईवेज़ की बात करें तो 17 से मैक्सिमम 18 डिपेंडिंग आपकी ड्राइविंग पर। हाईवे पे अगर सब लोग चलेंगे यानी कि पूरी फैमिली को लेकर चलोगे तो हो सकता है माइलेज थोड़ी सी 15-16 किलोमीटर पर लीटर हो जाए, और ऑफकोर्स आपका जो पेट वो पीछे बैठा है वो भी तो घूमता फिरता रहेगा ना, ड्राइविंग की डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना, सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ, बिकॉज इंटीरियर में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो शायद आपको पसंद आए और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आपको पसंद ना आए। आ जाओ डोर साइड, वो भी ड्राइवर वाली साइड का अगर हम बात करें तो आपको कार्बन फाइबर फिनिशिंग का डिज़ाइन देखने को मिलेगा, दो बड़ी बॉटल्स आराम से रख सकते हो, नैपकिन रखने की जगह अलग से है, सैटिन क्रोम और नॉर्मल क्रोम का काम भी आपको देखने को मिलेगा, और सबसे अच्छी चीज़ ये है आर्मरेस्ट आपको लेदर मिलेगी, और उसके साथ भी जो फिनिशिंग प्रोवाइडेड है वो भी ब्राउन लेदर है जो कि एक प्रीमियम टच प्रोवाइड कर रहा है इस 7-सीटर फैमिली MPV में। अब बारी आती है ड्राइवर सीट की, यहाँ पर एक चीज़ की मुझे बहुत कमी लगी, हाइट एडजस्टेबल ऑप्शन है ही नहीं, लेकिन लंबर सपोर्ट दे रखा है, इससे अच्छा हाइट एडजस्टेबल देते, लंबा सपोर्ट तो फिर भी ठीक है, रिक्लाइन कर सकते हो, स्लाइड कर सकते हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप इसकी हाइट एडजस्ट नहीं कर सकते, एटलीस्ट इस वाले मॉडल में तो नहीं। रही बात इसके फ्रंट लेआउट की, तो पुश स्टार्ट बटन आपको वहाँ मिल जाएगा, ऑप्शन मिल जाती है, ORVM के कंट्रोल्स हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने का ऑप्शन भी आपको वहीं से मिल जाएगा। थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तो इसका स्टेयरिंग जो है स्टेयरिंग व्हील आपको दिखाना चाहता हूँ, थोड़े से आउटडेटेड बटन्स मुझे लगे हैं, क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, नेविगेशन, वॉइस कमांड्स, कॉल एक्सेप्ट, कॉल रिजेक्ट, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी सब आपको मिल जाता है, बट डिज़ाइन थोड़ा सा आउटडेटेड लग रहा है। MID 4.2 इंचेस की MID, एनालॉग ही आपको स्पीडोमीटर टैकोमीटर ऑफर किया जाता है, जो कि अगेन मुझे लगता है कि थोड़ा डिजिटल डिस्प्ले थोड़ी सी और होती तो अच्छा लगता है, लेकिन बात वही आ जाती है कॉस्ट कटिंग करनी भी तो ज़रूरी है, तभी तो ये गाड़ी आपके लिए बनेगी अफोर्डेबल, पॉकेट फ्रेंडली, बजट वाली गाड़ी। 9 इंचेस की टच स्क्रीन है, वहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, बिकॉज एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले तो आजकल हर किसी को चाहिए, नेविगेशन में तो बहुत काम आता है ना, और साथ में मित्सुबिशी के कनेक्टेड फीचर्स भी आपको मिल जाते हैं, सारे फ्यूचरिस्टिक टॉप नॉच फीचर्स को यूज़ करने के लिए। AC के जो वेंट्स हैं उसके पास आपको सैटिन क्रोम मिलेगा, एल्यूमिनियम फिनिशिंग ऑन द डैशबोर्ड, सेंट्रल कंसोल के पास आपको हर जगह सॉफ्ट टच लेदर मटेरियल विद स्टिचिंग ऑफर किया जाता है, जो कि दिखने में काफ़ी स्लीक लग रहा है। स्टोरेज ऑप्शंस प्लेंटी हैं आपके लेग्स के लिए भी और आपके फ़ोन्स और आपके सामान के लिए भी, यहाँ पर बड़ा सारा ग्लोव बॉक्स मिल जाता है, उसके ऊपर भी आपको स्टोरेज है, हालांकि फिर भी लेग रूम आपको मिल जाता है, और ध्यान से देखेंगे तो साइड पे भी थोड़ी सी स्टोरेज है, यहाँ पर आप सामान रख सकते हो, नीचे की तरफ यहाँ पर आप अपना फ़ोन रख पाएंगे, थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस आपको कॉइन्स कीज़ रखने की ऊपर अलग से दी गई है, दो USB-A स्लो चार्जिंग पोर्ट्स हैं, और साथ में 12 वॉट का फास्ट चार्जिंग पोर्ट ऑप्शन मिल जाएगी। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ये ब्रेक जो है ये काफ़ी रेयर है, इस तरह के सेगमेंट में आपको इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक नहीं मिलती, इसमें मिलती है। ऑटो होल्ड का फंक्शन आया था, कप होल्डर्स मिल जाते हैं, और एक एसेसरी वाला बैग, अगर कोई छोटा पेट है, शिज़ू, पॉम, छोटे वाले आते हैं ना वो कप वाले, कप डॉग्स होते हैं, नाम मेरे को ब्रीड नहीं पता, वो इसमें आराम से आ जाएगा, बट यहाँ रखना मत, बड़ी दिक्कत आएगी, सामान रखने के लिए ही है, इसको एक बार पीछे कर देते बिकॉज ज़रूरी है आपको दिखाना कि इसकी बहुत बड़ी आर्मरेस्ट स्टोरेज जो है वो मिल जाती है। इस स्टोरेज में आप बहुत सारा सामान रख पाओगे, जहाँ पर आप अपनी ग्रॉसरी थोड़ी बहुत ही कुछ कैंस समझ रहे हो अगर तो वो भी आ जाएगा, और एक कंफर्टेबल आपको मिल जाती है आर्मरेस्ट, जहाँ पर अपनी आर्म रखना काफ़ी इजी और दोनों के लिए काफ़ी वाइड है, तो ज़्यादा एक दूसरे को कूनियाँ मारने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। ओवरऑल स्पेस काफ़ी अच्छी मिल जाती है इस पर्टिकुलर व्हीकल में, यहाँ पर कार्बन फाइबर फिनिशिंग थोड़ी प्रीमियम टच दे रही है, और फिनिशिंग सीट्स की काफ़ी अच्छी क्वालिटी इज़ रियली कूल। ड्यूल एयरबैग्स आपको इस व्हीकल में ऑफर किए जाते हैं, और साथ में 6 स्पीकर सिस्टम भी है, 4 स्पीकर्स और 2 ट्विटर्स की ऑप्शन आपको मिल जाएगी। IRVM की बात करें तो आपको मैनुअल IRVM मिल जाता है, दिखने में अलग ही ऑटो लगता है बिकॉज इसका जो नॉब है वो काफ़ी पीछे है। ऊपर देखेंगे तो आपको लाइट ऑफर की जाती है, हेलोजन, वैनिटी मिरर है विदाउट दी लाइट, और इस तरफ देखेंगे तो आपको वैनिटी मिरर विदाउट दी लाइट भी ऑफर किया जाता है। इधर और कुछ नहीं लगता, काफ़ी प्लेन है, और व्यू थोड़ा सा कम मिलता है, जिस तरह की MPV है मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि व्यू आपको बोनट का पूरा मिलेगा। एक्सपेंडर की अच्छी चीज़ ये है कि एक्सपेंड करने की जगह, लेग्स एक्सपेंड करो, नी रूम बहुत अच्छा मिल जाता है, अंडर थाई सपोर्ट भी बढ़िया है, विड्थ बहुत अच्छी मिल जाती है, 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं बिकॉज टनल ना के बराबर है। साथ में आपको USB Type-C, USB Type-A ऑप्शन मिल जाती है, दो स्टोरेज ऑप्शन मिलेंगी, नीचे अलग से, ऊपर अलग से, यहाँ पर भी अलग से, तो ये चीज़ अच्छी है कि आपको सामान रखने की जगह भी पूरी दी गई है, तो स्पेस ही स्पेस है, हालांकि इधर ऊपर नहीं है, इधर नीचे ही मिलेगी, और ये बैग तो एक्सेसरी है, इसको इग्नोर करो।
अच्छी चीज़ ये है कि आपको आर्मरेस्ट जो मिलती है काफ़ी ज़्यादा बड़ी बल्कि वाइड मिलती है, तो सपोर्ट पूरा रहता है आपको। अगर दो लोग पीछे बैठ के ट्रैवल कर रहे हैं तो कंफर्टेबल तो पूरा फील करने वाले हैं। चाहे लेफ्ट साइड पे अपनी एल्बो रखो तो वहाँ पर भी लेदर फिनिशिंग, राइट साइड पे रखो तो यहाँ पर भी पैडेड लेदर फिनिशिंग मिल जाती है विद बड़े बड़े कप होल्डर्स। पूरी पूरी बॉटल आ सकती है यहाँ, तो इतने बड़े हैं। एनीवेज, अगर ये नहीं होते सेंटर में बैठना तब भी आपके पास ऑप्शन अच्छी मिल जाती है, व्यू बड़ा अच्छा आ रहा है, बैठ सकते हैं लोग। एसी वेंट्स भी आपको मिल जाते हैं सेकंड रो पैसेंजर्स और थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए। यहाँ पर भी कुछ थाई में लिखा हुआ है इबुआ वेंग न्यू, नेवर माइंड। एसी आपको मिल जाता है जो कि क्लाइमेट कंट्रोल पूरा आपको पीछे तक जो है वो पूरी प्रोवाइड करता है एसी की हवा। और साथ में अगर आप ध्यान से देखोगे तो दो आपको हेडरेस्ट मिल जाते हैं यहाँ पर। एक लाइट है कॉमनली प्रोवाइडेड है जो कि सेकंड रो थर्ड रो में हेल्प करेगी। सीट बेल्ट भी आपको मिल जाती है फॉर ये वाला पैसेंजर। ये लो भाई, तू सेफ रहना ठीक है। अब ज़रूरी तो नहीं है आपके पास एक बड़ा डॉग है, इतना सारा सामान है। आप हो सकता है सात लोग ट्रैवल करना चाहते हो तो थर्ड रो भी तो दिखानी है। यहाँ पर और भी एक्सपेंडर्स हैं, वो दिखा देता हूँ। अब ये है इसका एक मॉडिफाइड वर्जन जिसमें अलॉय व्हील्स आपको डिफरेंट मिल जाते हैं, क्लैडिंग अलग से मिल जाएगी, लेकिन दिखाना ये ज़रूरी है कि थर्ड रो में स्पेस कितनी है। तो हम इसको अब करेंगे फोल्ड। वन टच टंबल अप तो है, लेकिन डाउन करने के लिए ऑफकोर्स थोड़ा सा जोर आपको लगाना पड़ेगा। अंदर जाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आराम से आप पीछे जा सकते हो, बट लेग रूम आपको काफ़ी कम मिलेगा क्योंकि ये वाली सीट मेरे को थोड़ी सी स्लाइड करनी पड़ेगी। अब अगर मैं ये वाली सीट को थोड़ा सा रिक्लाइन करूँ तो मेरे को फिर भी नी रूम थोड़ा सा मिल जाता है। पीछे सपोर्ट चाहिए तो मेरे को हेडरेस्ट ऊपर करना ही पड़ेगा ताकि मैं थोड़ा कंफर्टेबली बैठ सकूँ। लेंथ काफ़ी अच्छी है, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट छोटे बच्चे हैं ना तो वो तीन भी बैठ जाएंगे पीछे, तो टेक्निकली ये एट सीटर भी बन सकती है। बट ध्यान रखें कि सीट बेल्ट आपको दो ही मिल जाती है तो दो ही बैठे, तीन वैसे जस्ट बता रहा हूँ कि बैठ सकते इतनी जगह है। कॉमन लाइट जैसे कि मैंने बताया आपको हेडरेस्ट दोनों पैसेंजर्स के लिए मिल जाएंगे। ये वाली जो सीट्स हैं वो 50-50 फोल्ड भी हो जाती है ताकि आप अपना सामान रख सकें। थोड़ा बहुत सामान तो इन सीट्स को यूज़ करते करते भी आप रख पाओगे। 90 डिग्री पे भी ये रिक्लाइन हो जाती है, इट मीन्स अगर ज़्यादा ही छोटा बच्चा है तो आप ज़्यादा सामान पीछे रख पाओगे। जब वो बड़ा हो जाएगा तो इस सीट को रिक्लाइन कर देना, तब सामान कम हो जाएगा। जब कोई ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वो तब तक तो एक नई गाड़ी ले ही लेगा। रही बात इस पूरे ओवरऑल स्पेस की, तो मुझे लगता है कि इस डिसेंट और अच्छी स्पेस मिल जाती है। कप होल्डर्स हैं, हुक्स आपको मिल जाते हैं सीट बेल्ट को हटाने के लिए, 12 वोल्ट के सॉकेट आपको मिल जाते हैं चार्जिंग नीड्स के लिए। अब वो छोटा बच्चा आपका जो है वो टैबलेट भी चलाएगा, उस पर कार्टून्स भी देखेगा, तो उसको लगातार चार्ज रखने के लिए 12 वोल्ट का सॉकेट चाहिए कि नहीं चाहिए, तो वो आपको मिल जाता है। बाकी एसी वेंट तो काम अच्छे से करते हैं, पीछे तक प्रॉपर उसका थ्रो जो है वो आता रहेगा। थर्ड रो इज़ ओकेश, आई वुड से इस सेगमेंट इज यू नो साइज इस प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से थर्ड रो काफ़ी यूजेबल है। अब मित्सुबिशी एक्सपेंडर एक ऐसा व्हीकल है जो कि अर्टिका को एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन दे सकता है। नो डाउट अर्टिका से थोड़ा सा इसका प्राइस ज़्यादा होगा, लेकिन किया कारण से कम होगा बिकॉज उतने फीचर्स इसमें नहीं आ जाते। हालांकि साइज़ अच्छा है, डायमेंशंस अच्छे हैं, लुक्स भी बढ़िया लग रहे हैं, लेकिन बात ये आ जाती है कि क्या ये इंडिया में आएगी। तो मित्सुबिशी एक्सपेंडर क्रॉस या मित्सुबिशी के बाकी कार्स भी इंडियन मार्केट में इतनी जल्दी अभी नहीं आने वाले। अभी अभी तो बेचारी गई है, आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर ये आती तो एक अच्छा कंपटीशन प्रोवाइड कर पाती टू दी अर्टिका एंड द किया कारंस एज वेल। दिस वाज द मित्सुबिशी एक्सपेंडर। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यहाँ तक देखी लिया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। हमने बैंकॉक इंटरनेशनल मोटर शो की और बहुत सारी वीडियोज बनाई है तो उन्हें चेकआउट करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, बाय बाय।